रेडमी का 8वें सीरीज आज कंप्लीट हुआ और मेरा मतलब है कि रेडमी 8 सीरीज में सारे स्मार्टफोन आ चुके हैं। सबसे पहले आया था रेडमी 8A, उसके बाद आया रेडमी 8, उसके बाद आज दो फोन लॉन्च हो चुके हैं, रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो, चार फोन और चारों रेडमी 8 सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 8 के बारे में, और मैं रेडमी नोट 8 प्रो की वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को भी। और स्टार्ट करते हैं बात करना रेडमी नोट 8 के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं उसके डिस्प्ले से। तो आपको देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और यही सेम साइज़ का डिस्प्ले आपको रेडमी नोट 7 प्रो में भी देखने को मिला था। और अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो आपको रियर में और डिज़ाइन देखने को मिलता है, और ये आता है मिरर बैक के साथ, और इसमें आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का, और आपको इसमें क्वाड कैम सेटअप भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और साथ ही साथ इसमें आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, मीन्स आपका फ़ोन आप रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका 3.5mm वाला ऑडियो जैक भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है, मीन्स आप दो सिम और एक माइक्रो USB कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस में, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर, और इस प्राइस रेंज में अभी यही प्रोसेसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे आप जो भी स्मार्टफोन में देखें, अगर आप देखें मोटो का जो मैक्रो अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है रियलमी का 5, और ये प्रोसेसर अभी चलने में ही है। वीवो का भी अगर आप देख लें U10, उसमें भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीन्स प्रोसेसर इस प्राइस रेंज का डिसाइडेड हो गया है। और अब बात कर लेते हैं इसके एड्रिनो की, तो मीन्स GPU की, तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है एड्रिनो का 610 वाला ग्राफिक्स, और ये काफ़ी कमाल परफॉर्म करेगा आपके गेमिंग को, और इसमें आपको गेम बूस्टर भी देखने को मिल जाता है, तो आप काफ़ी स्मूथली गेम रन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पे रन करता हुआ मिलता है, जल्द ही आपको एंड्रॉयड 10 भी मिल जाएगा, और ये इसके कस्टम OS के साथ रन करता है जो है MIUI। अभी आपको 10 देखने को मिलेगा अगर आप लेते हैं, और जल्द ही आपको अपडेट मिल जाएगा MIUI 11 का जो इस फ़ोन के साथ ही इंडिया में आया है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके और भी फीचर्स की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अब हम बात कर लेते हैं इसके, तो इसमें आपको 4000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसके तेज़ी से चार्ज करने के लिए आपको 18W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इस बात से खुशी हुई कि Xiaomi अब देने लग गए हैं बॉक्स में उनका फास्ट चार्जर। और अब बात कर लेते हैं इसके वाटर प्रूफिंग की, तो इसमें आपको PIT-Y वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे ये स्प्लैश प्रूफ है, इसमें कुछ पानी के छींटे पड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस फ़ोन को। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो रियर में आपको क्वाड कैम सेटअप देखने को मिलता है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, काफ़ी लंबा बोलने को लग रहा है, लेकिन जो आपका प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, और ये है f1.79 अपेचर्स के साथ, और ये लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, और आपको डेडिकेटेड नाइट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जो सेकेंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और उस वो है एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और आप इससे एक वाइड शॉट ले सकते हैं। और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए, और फोर्थ और लास्ट कैमरा रियर की ओर से वो है मैक्रो शॉट के लिए, मीन्स अगर आप एकदम करीब से किसी फोटो को लेना चाहें किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप ले सकते हैं, और पेड़ पौधे
या छोटे छोटे चीज़ों का आप काफ़ी अच्छे से इसमें ले सकते हैं। फोटो और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये वही सेम कैमरा है जो आपको Redmi Note 7 और Note 7 Pro में देखने को मिला था F1.2 अपेचर्स के साथ। और आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में भी 30 FPS के साथ रियर में, और 1080p में 60 FPS के साथ, और फ्रंट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p में 30 FPS के साथ। और अगर हम बात करें इसमें माइक्रो शॉट की, तो उसमें भी आप 120 FPS के साथ शूट कर सकते हैं और स्लो मो वीडियोस भी बना सकते हैं 120 FPS के साथ ही। और अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन में और बात करते हैं इसके स्टोरेज और कैपेसिटी की। तो ये आता है 2 वेरिएंट में। जो पहला वेरिएंट है वो आता है 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइसिंग है 9999 की। मीन्स ये आता है 10,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छी बात है इतना अच्छा वैल्यू देना। और जो सेकंड वेरिएंट है वो आता है 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइसिंग है 12,999 की, जो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है इतने कम में आपको 6GB वाला वेरिएंट अवेलेबल कराने का। और ये अपने कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल जाता है अगर आप देखें डिस्प्ले के। अगर आप कंपेयर करते हैं Realme 5 से, तो उसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने मिलता है, और इसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने मिलता है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। और सेकेंड है कैमरा, उसमें आप 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी मिलता है, और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का, तो ये काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है और काफ़ी आगे निकाल देता है। लेकिन देखते हैं कि कितना सक्सीड होता है ये फ़ोन मार्केट में और कितना सेल होता है, और क्या आप लोगों को ये फ्लैश सेल में मिलता है या नहीं। तो बस इस फ़ोन के बारे में इतने ही। जाने से पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर, और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।